फाइनली मैं स्विंग्स पहुंच गई हूँ। ये DHA फेज 6 में है एंड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है और बाहर भी इतने सारे लाइक पिंक फ्लावर्स लगे हुए हैं एंड अंदर से तो ये एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, एकदम पिंकी पिंक है। एंड यहाँ पर एक ना वॉल है जहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स आपको दिखाती हूँ। अभी देखो ये वाली वॉल और इधर पिक्चर्स इतनी अच्छी आती है ना। वैसे इस पूरे रेस्टोरेंट में पिक्चर्स तो खैर हर जगह ही अच्छी आती है बिकॉज हर जगह का लाइक बैकग्राउंड एनवायरनमेंट एकदम ही परफेक्ट है। और यहाँ पे बहुत से लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी आते हैं एंड ये एक ही फ्लोर है, लाइक इधर कोई सेकंड फ्लोर नहीं है, बस ये यही फ्लोर है। और उसके बाद मैं इधर ये स्विंग में बैठी और फिर जो है ना मैंने खाना ऑर्डर किया। एंड फाइनली मेरा ऑर्डर आ चुका है। मैंने इधर ऑर्डर किया है एल्फ्रेडो पास्ता। ये काफी क्रीमी एंड डिलिशियस था, इसमें चिकन चंक्स भी थे एंड साथ में जो है ना वे गार्लिक ब्रेड भी थी एंड ये बहुत ही अच्छा था टेस्ट में। एंड उसके बाद मैंने ऑर्डर किया मारा केस चिकन। एक्चुअली मैंने वेटर से पूछा था कि यहाँ का सबसे अच्छा एंड मोस्ट ऑर्डर्ड फूड क्या है, सो ही सेड इट्स मारा केस चिकन, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी भी होता है। बट जब मैंने खाया तो लाइक मुझे इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सही सही था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बट इट वॉज ओके ओके। एंड या फिर मैंने ये खाया और उसके बाद टाइम आता है अब डिजर्ट का। सो डेजर्ट में मैंने ऑर्डर किया था लोटस चीज केक एंड जब भी ऑर्डर आया तब आई वॉज लाइक कम्प्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज बिकॉज इसमें लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशन कशिश। सो एक्चुअली ये मेरी मॉम ने लिखवाया था, मुझे पता भी नहीं था। मैं एक्चुअली ऑर्डर देने के बाद ना पिक्चर्स क्लिक करने गई थी तब मेरी मॉम ने वेटर को बुलाया एंड कहा था कि ये प्लेट में ना वो कॉन्ग्रेचुलेशन कशिश लिख दे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉन्ग्रेचुलेशन क्या है, किस चीज़ के लिए? सो गाइज एक्चुअली मुझे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी एंड कुछ दिन पहले रिजल्ट आया एंड देन आई केम टू नो कि मेरा एडमिशन हो चुका है। तो इसकी खुशी में जो है ना ये कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी मॉम ने लिखवाया, मुझे सरप्राइज दिया एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने खाया एंड ये चीज़ के काफ़ी ज़्यादा टेस्टी एंड यमी था। तो बस फिर मैंने ये केक खाया और बिल पे किया और फिर मैं चली गई अपने घर पे एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस स्विंग रेस्टोरेंट में आकर एंड आई एंजॉयड अ लॉट। पिक्चर्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हैं एंड या गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।